लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप, प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी, एंड अमेरिकन पिस्ताशियोस। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। शाम के 5:30 बजे हैं, ताजी सुबह की शाम की चाय का वक्त है। अगर आप चाय पीते हैं या स्फूर्ति के लिए कैमोमाइल टी पीते हैं तो वो भी हो सकता है, पर हम लोगों को अब भोजन का समय मिला है। हम लोग कोरबा में, छत्तीसगढ़ में, हमारे मित्र के मामा जी का घर है। कोशिश रहती है कि होटल का रेस्टोरेंट खाना कम से कम खाएं, तो ये घर का दिव्य भोजन हमको मिल रहा है, प्योर छत्तीसगढ़िया भोजन है। ये क्या है मामा जी, अब बताओ। रोपा भाजी। हाँ, रोपा भाजी और उसमें मसूर की दाल यही स्थानीय स्तर पे उगती है। ये बहुत चलता है हमारे यहाँ, इसको बासी में भी खाते हैं। बोरेबासी अभी कल परसों ही था ना, बोरेबासी तो आज 1 तारीख आज ही है। हाँ, हाँ। मजदूर दिवस के दिन। हाँ, अच्छा, और ये क्या है? ये टमाटर का फतका है। फतका? हाँ, ये चटनी है टमाटर का। टमाटर का, हाँ, सब। यहाँ टमाटर खेती में इस तरफ खूब होता है क्या? हाँ, खूब होता है टमाटर, खूब टमाटर होता है। फतका। ये क्या है? ये बड़ा है, ये तो देसी बड़ा है, यही का घर में बनता है। कौन सी दाल का? उड़द दाल का। इसको चटनी से निपटा देता हूँ। हाँ, और वो ये लाई बड़ी है। ये लाई बड़ी, लाई से बनता है, चावल का जो लाई बनता है। हम्म, उसी को फेंट वेट करके इसमें जीरा उजा कुछ डाल के और इसको बनाते हैं, तो इसको तेल से छानते हैं, तब ये बड़ा हो जाता है। वाह, ये होता है इसका साइज ओरिजिनल में छोटा छोटा, लेकिन छानने के बाद भी बड़ा हो जाता है, फूल जाता है। हमारी मित्र है रुचिता देवेकर, कहती है स्थानीय भोजन खूब करना चाहिए, सब यही उगता है। हाँ हाँ हाँ, सब। चटनी किस चीज का है ये वाला? एक आम का चटनी होगा। आम का चटनी, पुदीना भी है इसमें। हाँ हाँ, वो तो आधी धनिया लहसुन वाला। हाँ, धनिया लहसुन वाला। ये क्या है? वो बिजौरी है। वो ये बिजौरी तिल उड़द दाल वगैरह बनता है, बिजौरी भी बड़ा प्रसिद्ध है। ये ठंड में ही बनता है आइटम, और फिर क्यों बनवा दिया? गर्मी में नहीं बन पाता। गर्मी में क्यों गिलवा रहे हमको? नहीं नहीं, खा कोई सी भी सीजन में है, लेकिन बनता ठंडी में है, वही उसी में स्वाद रहता है, इसका विशेषता ये। अच्छा, तिल है इसमें है? हाँ हाँ, ये ठंडी में ही बनता है, उसी में स्वाद रहता है, बाकी समय में वो मजबूत हो जाता है, मुलायम नहीं हो पाता। ये बूंदी का कड़ी लग रहा है? बूंदी का कड़ी। रोटी गेहूं का ही चलता है या रागी वगैरह भी? नहीं नहीं, हम लोग गेहूं का ही खाते हैं। या चावल के रोटी बनता है जैसे कहीं कहीं? हाँ, चीला बनता है ज्यादा, चीला और अंगाकर जो बोर्सी में बनाते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं उसको? अंगाकर। हाँ, उसको बोर्सी से बनाते हैं। बोर्सी मतलब ऊपर नीचे पत्ता करके, नीचे छेना के आग, आग को ऊपर। छेना का आग मतलब पत्ता किस चीज का? अच्छा, और पत्ता किस चीज का होता है? केला का पत्ता भी ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। वाह, वो किस मौसम में? सब मौसम में? कोई भी मौसम, लेकिन ठंड में स्वाद ज्यादा रहा। तो अब मैं ठंड में आपको आऊंगा मामा जी, तब खिलवाइएगा। मैं वही आके सब चीज लेके बना खिलवा दूंगा आपको, जहाँ बोलेंगे। नहीं, मैं आऊंगा। हाँ हाँ, बिल्कुल स्वागत है। हमारे यहाँ क्या होता है बुंदेलखंड में, मामाओं से माँ जैसा लाड़ किया जाता है, ठीक है, और अधिकार भी बहुत समझा जाता है। जानवर में हमारे मामा रहते हैं, बड़ा लाड़ करते हैं हमसे वो। माता जी और भाजी लाएंगे, भाजी। ये तो रेगुलर सब्जियां मित्रों, आलू गोभी की। हाँ, ये तो दाल है। हाँ, ये कुछ पनीर आदि का आइटम लग रहा है। हाँ, जो उत्तर भारत के सब शाकाहारी घरों में पनीर आइटम मिलता है। दही भी बड़ा दिव्य है। हाँ, आप बताइए, आपके यहाँ भोजन में स्थानीयता कैसे प्रकट होती है? ये बड़ी जरूरी है। मुझे असम में डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में जो होनहार नौजवान लड़के लड़कियां मिले थे, लड़की मिली थी जिसने कहा था कि वो इस पर स्टडी कर रही है कि लोकल फूड क्यों गायब होता जा रहा है लोगों के खाने से, और बाहर का फूड क्यों आ रहा है। तो जब वो बाहर कह रही, तब वो असम के बाहर था, स्थानीय उपज हमारी थालियों में दिखे। डॉक्टर भी यही बोलते हैं, आयुर्वेद भी यही बोलता है, शहर विज्ञान भी यही बोलते हैं। मैं ये स्थानीय भोजन खा रहा था, इट्स अ वेरी पर्सनल प्राइवेट एक्ट ईटिंग फूड, लेकिन क्योंकि हम चुनाव भटक रहे हैं और आप में से कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि खाने के वीडियो कम आ रहे हैं, सो हियर यू गो, थैंक यू।